हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग यूट्यूब का कम्युनिटी टैब को एनेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर कुछ भाइयों ने मुझे कॉमेंट किया है कि उनका 500 प्लस सब्सक्राइबर होने के बाद भी, अप्लाई करने के बाद भी नहीं मिल रहा है। तो उनको कैसे मिलेगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल वे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा एंड तक। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ कम्युनिटी टैब को एनेबल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके चैनल पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि 499 हो गया और आपने अप्लाई कर दिया तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको 510, 515 ऐसा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपका जो सब्सक्राइबर है यहाँ पर, ये अनहाइड होना चाहिए, ताकि यूट्यूब को देखना चाहिए, यूट्यूब वाले देखेंगे कि आपके सब्सक्राइबर हुआ है या नहीं हुआ है। आप हाइड करके अप्लाई करोगे तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके चैनल जो है ना, वो मेड फॉर किड्स नहीं होना चाहिए, नॉट मेड फॉर किड्स होना चाहिए। अगर मेड फॉर किड्स रहेगा तो आपके चैनल पर अगर 5000 सब्सक्राइबर भी हो जाए ना, तो भी आपको नहीं मिलेगा ये फीचर। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों, आपका चैनल पर जो है आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका फेस कैम ही होना चाहिए, मतलब कि आपका खुद का रियल कंटेंट होना चाहिए, ताकि यूट्यूब को लगे कि ये एक रियल बंदा है। और हो सके तो आप अपने चैनल पर कुछ फेस कैम वीडियोज़ भी अपलोड किया करें, क्योंकि यूट्यूब दिन पे दिन जो है रेगुलेशन को टाफ करता जा रहा है। तो इसीलिए आपको कुछ फेस कैम वीडियो भी बनानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि आपके चैनल पर रियल कंटेंट होना चाहिए आपका खुद का, किसी का दूसरे का वीडियो अपलोड मत किया करें अपने चैनल पर, तब जाके आपको कम्युनिटी टैब को मिलेगा। वीडियो का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाकर के पहले वो वीडियो देख लेना, इसके बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो उस वीडियो पर दोस्तों, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि आपको कैसे अप्लाई करना है कम्युनिटी टैब के लिए, उसी तरीके से अप्लाई करने के बाद आपको एक ट्वीट करना है। तो ट्वीट कैसे करेंगे दोस्तों, मैं चलिए आपको बता देता हूँ। ट्विटर पर आना है आपको। ट्विटर पे आने के बाद आपको सिंपली एक ट्वीट कर देना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इस वीडियो के नीचे जो लिखा है वो आपको सिंपली कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगर ये थोड़ा लंबा हो जाता है तो आपको इससे जो है थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपना चैनल का नेम, इसको आप हटा भी सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ आपको चैनल का लिंक दे देना है। हाँ, ये हो गया। आपको यहाँ पर योर चैनल जो है ना, यहाँ पर आपको इस तरीके से कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपना चैनल का लिंक को पेस्ट कर दीजिएगा एंड आपको सिंपली नीचे आके एट द रेट दे के आपको टीम यूट्यूब इसको टैग करते हुए सेंड कर देना है, ट्वीट कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपके चैनल पर जो कम्युनिटी टैब है वो एक हफ्ते के अंदर जो है एनेबल कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसी तरीके से अप्लाई करना है। एंड अगर फिर भी नहीं होता है, आप लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर लेना, मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है उस वीडियो से लास्ट आपका हेल्प हो जाए। एंड मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।